नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। ऑरेंज ग्रीन जोन में सैलून की दुकान खोलने की मिली अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत भारत के सभी राज्य ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन में है। वहीं अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग रियायतें भी दी गई हैं, जिसके तहत बीते दिन नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे कि अब बंद के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों में भी सामानों की बिक्री शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 मई के बाद से ग्रीन और ऑरेंज जोन में यह सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। गृह मंत्रालय ने इसके अलावा पान की दुकान खोलने का भी निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि छूट चाहे जितनी भी हो, मगर सभी आम नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। कोविड-19 से सामना कर रहे पुलिसकर्मी पर आसमान से बरसे फूल। कोविड-19 की सारी जद्दोजहद में सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी दिन रात लगकर आम नागरिकों की सेवा में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि आज ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के लिए भारतीय वायुसेना के चॉपर ने दिल्ली स्थित पुलिस मेमोरियल में फूलों की वर्षा कर कोविड-19 की जद्दोजहद में पुलिस योद्धाओं को सम्मान किया है। क्योंकि पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, देश सेवा के उनके इसी जज्बे को सलाम करते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से यह छोटा सा कदम उठाया गया था। आपको बता दें, दिल्ली में कोविड-19 के बीच ड्यूटी दे रहे कई पुलिसकर्मी भी कोविड-19 की चपेट में आ गए, लेकिन इसके बावजूद वह अपने काम में लगे हुए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की जरूरी गाइडलाइन। केंद्र सरकार के आदेशानुसार चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करने के लिए निर्देशित गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देकर उनसे टिकट किराया लेगा और रेलवे को देगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंद की वजह से देश भर में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, कामगारों, पर्यटक, छात्रों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। देश में दूसरे राहत पैकेज की हो रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री अमित शाह के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीते दिन हुई बैठक के बाद कोरोना से प्रभावित सेक्टर्स के लिए दूसरे राहत पैकेज पर विचार विमर्श किया गया है, जिसके तहत मीटिंग के बाद मिली जानकारी के अनुसार यह कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु और मझोल उद्योग सहित आर्थिक मामलों से जुड़े अन्य प्रमुख मंत्रियों के साथ हुई बैठक में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन को पेश किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। वहीं गरीब एवं वंचित तबके के लिए जल्द ही एक और राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। साथ ही उद्योग जगत के लिए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है। बैंक प्रमुख के साथ बैठक में RBI गवर्नर ने कही अहम बात। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच सड़क पर आई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI दिन रात जुटी हुई है। वहीं बीते दिन RBI गवर्नर की बैंक प्रमुख के साथ हुई बैठक के बाद कई अहम बातें भी सामने आई है, जिसके तहत RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई इस बैठक में छोटे व मझोले उद्योगों को पर्याप्त कर्ज देने के साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थिति सुधारने के तमाम विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया है। इतना ही नहीं, सभी बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकार ने बंद से निकलने की राह बनानी शुरू कर दी है और बैंकों को बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। बैठक में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाणिज्यिक बैंक को यह याद दिलाया है कि मौजूदा हालात इकोनॉमी को निकालने में सबको आगे आने की जरूरत है। वहीं बैंकों की तरफ से भी बिगड़े हालात में फंसे बैंकों की स्थिति के बारे में भी खुलकर बताया गया है। कोविड-19 के माहौल में पाकिस्तान ने फिर से की नापाक साजिश। चीन से निकले कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। वहीं पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह खुलासा किया गया है कि ट्विटर पर करीब 7,000 अकाउंट की पहचान की गई है, जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं। मगर हैरानी वाली बात यह है कि यह सभी अकाउंट्स अप्रैल 2020 में खोले गए हैं, जब पूरी दुनिया में कोविड-19 अपनी चपेट बना चुका था। वहीं इस बाबत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें यह कहा गया है कि इन सोशल मीडिया हैंडल्स ने खाड़ी देशों के साथ साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक मुहिम शुरू की है। इस प्रयास का उद्देश्य सोशल मीडिया पर विशेष रूप से खाड़ी देशों में भारत विरोधी भावना को उत्पन्न करना है। साथ ही यह भी प्रचार करना है कि भारत इस्लामोफोबिया देश है और यहाँ मुस्लिमों के साथ सही बर्ताव नहीं होता है। जिसके बाद एजेंसी ने ऐसे अकाउंट्स का आकलन करते हुए इन्हें जल्द से जल्द बंद करवाने का आदेश जारी किया है। CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल। CKP कोऑपरेटिव बैंक का बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में अभी नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है कि सरकारी बैंक पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफलता को देखकर फिलहाल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, जिसके बाद अब CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस का हिस्सा नहीं हो सकती है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद बैंक जमा राशि को स्वीकार भी नहीं कर सकती और ना ही किसी भी जमा राशि का भुगतान कर सकती है। हालांकि RBI ने कहा है कि लिक्विडेशन की प्रक्रिया के तहत हर जमाकर्ता को
5 लाख तक की जमा राशि वापस करनी होगी। राहुल गांधी के आरोग्य सेतु ऐप से डेटा गायब होने पर भाजपा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन राहुल गांधी ने अपने आरोग्य सेतु ऐप से डाटा गायब होने की बात कही थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु के जरिए लोगों पर निगरानी रखने की बात भी कही थी, जिसके बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल का एक और झूठ सामने आया है। श्रीमान गांधी जी, वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दे जिनको भारत की समझ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इस ऐप की दुनिया भी सराहना कर रही है, जिसे सरकार ने COVID-19 से सामना करने के लिए बनाया है। हर दिन नया झूठ के साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डाटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुट रहे हैं, वे नहीं समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के अच्छे कार्य में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी ने भी आरोग्य सेतु को लेकर मोदी और योगी सरकार पर तंज कसा था। ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच शुरू हुआ घमासान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए दिन एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं, जिसके बाद बीते दिन राज्यपाल ने ममता बनर्जी को 14 पन्नों का पत्र लिखकर 37 मुद्दों को लेकर तंज कसा था। वहीं ममता बनर्जी ने 14 पेज का पत्र लिखकर जवाब दिया है, जिसमें राज्यपाल के खिलाफ COVID-19 के द्वारा सत्ता हड़पने की बात कही गई है, बल्कि खुली चुनौती देते हुए कहा गया है कि वह सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्यपाल उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास और कोई पावर नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राज्यपाल के पत्र की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, बीते दिन राज्यपाल ने कहा था कि भारत के संविधान का अनादर कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और उनका पूरा आचरण राजनीति से प्रेरित है, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को जवाब दिया है। नितिन गडकरी ने सभी उद्योगपतियों से की अपील। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन COVID-19 के चलते दुनिया भर के कारोबारियों से चीन से बाहर निकलने की बात कही है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय उद्योग को खुद को बेहतर बनाने की भी सलाह दी है। इसके तहत उन्होंने सभी उद्योगपतियों से दूसरे देशों के निवेशकों में उत्पन्न हो रहे चीन के खिलाफ नकारात्मकता को देखते हुए इसका फायदा उठाने की पहल को तेज करने को कहा है। इसके साथ ही फिक्की महिला संगठन के सदस्यों से बातचीत के दौरान कहा है कि अन्य बड़े उद्योगों की सिफारिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से की गई है और उन्हें जल्द ही इस बारे में घोषणा की उम्मीद है। वहीं गडकरी ने यह भी बताया है कि जापान, अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के बड़े उद्योग चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग और उद्यमियों को मौका का फायदा उठाते हुए सभी निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित करने का काम किया जा सकता है, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कौन बनेगा करोड़पति 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। COVID-19 के बढ़ते असर के बीच कौन बनेगा करोड़पति 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने KBC के 12वें सीजन में रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है। वहीं इस सीजन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टर नितेश तिवारी ने दिया है। हालांकि COVID-19 के बढ़ते असर के कारण अमिताभ बच्चन ने यह वीडियो अपने घर पर ही रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर चीज को ब्रेक लग सकता है पर सपनों को ब्रेक नहीं लग सकता। वहीं वीडियो में यह भी बताया गया है कि 9 मई से 22 मई तक Sony TV पर रात 9 बजे एक सवाल पूछा जाएगा। रजिस्टर करने वाले लोगों को इस सवाल का सही जवाब दिया जाएगा और यह जवाब उन्हें दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा। सही जवाब देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के तहत कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसको अगले राउंड के लिए भेजा जाएगा। वहीं स्क्रीनिंग के बाद ही ऑनलाइन ऑडिशन के लिए वीडियो सोनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार चीन से बाहर निकले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।